करे। माता जी को खो दिया, अभी निराश नहीं होते? अभी मैं इनको नहीं खोना चाहता हूँ। घबराइए नहीं भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, चिंता मत करिए। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको, मैं सच में आपका आभारी हूँ जो आप मदद कर रहे हैं। ये तो कुछ भी नहीं है, पहले आइए आरती बेटा, सब ले चलो, हम पहले चाय पीने चले। मेरे पिताजी तो काफी समय से बीमार चल रहे थे, लेकिन हम तो सोचे कि वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। उनकी मृत्यु के बाद अभी तक हम लोग संभल नहीं पाए हैं। मैं आपके दर्द को समझ सकती हूँ, क्योंकि मुझे याद है जब मेरी माता की मृत्यु हुई थी तो हम लोग भी बहुत निराश हो गए थे। हाँ, पर ये सारी बातें वहाँ पर बिल्कुल बेमायने हो जाती है जब हम किसी ऐसी शक्ति पर विश्वास करते हैं जिसने मृत्यु तक को पराजित कर दिया हो। यही तो आप लोग गा रहे थे? जी हाँ, वे शक्ति सद्गुरु येशु ही तो है, और जब से उन्हें हमने अपना प्रभु मानकर उनका अनुसरण किया है तभी से तो हमने जाना कि सच्ची शांति क्या है। पर तुम्हें शांति कैसे ही सुन दी? जब हमने केवल प्रभु येशु को ही अपना गुरु माना और सच्ची रीति से उसका अनुसरण किया तभी हमने जाना कि पाप क्षमा होने का वास्तविक अर्थ क्या है। और जो शांति हमें मिली है वह इस जीवन तक ही सीमित नहीं है, परंतु वह मृत्यु के बाद तक की है। आपकी बातें तो मेरे दोस्त से काफी मिलती जुलती है, वो भी अक्सर यीशु के शक्ति व उसके शांति की बातें किया करता है। भाई साहब, यीशु जी ने तो मेरी काया ही पलट दी। यीशु जी के ग्रहण करने से पहले मेरे मन में भी बहुत चिंता रहती थी अपने फैक्ट्री के विषय में। मेरी भी इस शहर के बाहर एक छोटी सी फैक्ट्री है और मैं समझ सकता हूँ कि ये कितना तनाव भरा काम होता है। मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद एक व्यापारी हूँ। भाई साहब, आप तो खुद व्यापारी हैं, लेकिन जब किसी के मन में पैसा कमाने की धुन सवार हो जाती है तो कुछ दिखाई नहीं देता है। मैंने भी यीशु के बारे में जाना और सीखा कि कैसे लोगों से व्यवहार किया जाए और ईमानदारी से पैसा कमाया जाए। और जीने के लिए तो पैसा कमाना जरूरी है। भाई साहब, वो तो सच बात है कि जीवन में चार पुरुषार्थ होते हैं, मोक्ष ही इसका मूल है। इसी में हमें सच्ची शांति प्राप्त होती है और हमें इसी पर ज्यादा ध्यान करना चाहिए। ठीक है माँ, अब हमें वापस कमरे में चलना चाहिए। बेटा विजय, यहाँ पर हमको बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पर हम कुछ और जानना चाहते हैं। क्यों भाई, आप लोग दोबारा मिल सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आज हमारे यहाँ यहीं पर सत्संग है, आप लोग जरूर आइएगा। हाँ जरूर आएंगे। भाई साहब, जहाँ आप रह रहे हैं क्या मैं वहाँ आप लोगों को छोड़ सकता हूँ? अरे आप क्यों परेशान होते हैं, हम तो पास ही के गेस्ट हाउस में रुके हुए हैं, हम लोग चले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अम्मा जी, मैं बाहर घूमने जा रहा हूँ, आप आराम करें। अरे भैया, कल के मैच का क्या हुआ? इंडिया हार गया। हार गया? ओहो। हेलो विजय, अरे इंडिया तो हार गया भाई, पैसे लेकर कब आ रहे हो? अरे यार, मुझे इस पैसे की बहुत सख्त जरूरत है। अरे भाई, मैंने पहले कभी वादा नहीं किया था, पैसे लेकर फटाफट आ जाओ। अरे भाई, ये पैसा मेरा नहीं है, ये मेरे भाई के फीस का पैसा है, मैं उसको क्या जवाब दूंगा? अरे
अपन का प्रॉब्लम है, तेरा प्रॉब्लम है, सबका प्रॉब्लम है, तो पैसा लेकर आ जा फटाफट। क्या करूं बेटा, अभी है कमरे में मैं इतना अंधेरा था कि मैं पानी लेने के लिए गई, बेटा गिर गई। अम्मा जी मुझे माफ कर दीजिए, इसमें सब मेरी गलती है, अगर मैं बाहर जाता नहीं तो आप यहाँ पे गिरती नहीं। इसमें विजय तुम्हारी कोई गलती नहीं बेटा, तुम तो घर की फिक्र हमेशा करते रहते हो, और खुशी की बात है कि तुम चिंता करते हो। ठीक है माँ, आप आराम करें। अरे शर्मा जी आप? जी हाँ, माफ करिए आपको हमने रात में परेशान किया। हम तो बस इतना देखने आए थे आप लोग ठीक ठाक तो हैं, क्योंकि कल जब हमने आपको आमंत्रित किया था सत्संग के लिए तो माता जी बहुत इच्छुक थी, पर जब वो नहीं आई तो हमें बड़ी चिंता हुई, इसलिए हम लोग आ गए। कौन है बेटा? माता जी आइए, अंदर आइए, शर्मा जी और उनकी बेटी आई हुई है मिलने के लिए। माता जी आप ठीक तो है ना? क्या कहो बेटी, मैं आज दोपहर में गिर गई, सबसे काफी मेरे पेट में दर्द है। माता जी की तबीयत काफी खराब चल रही है, पिछले साल वो गिर पड़ी जिनके वजह से उनके कूल्हे में काफी दर्द हो गया, और लगता है वही दर्द अभी ज्यादा बढ़ गया है। ओह बेचारी माता जी। बेटी मैं इस दर्द में कैसे दिल्ली जा पाऊंगी, 2 दिन के बाद तो हमारी ट्रेन है। भाई साहब अगर जरूरत पड़ी तो थोड़ा दिन तक और रुक सकते हैं। थोड़े दिन के लिए तो मेरा दोस्त मेरा बिजनेस संभाल रहा है, लेकिन यदि कुछ दिन और रुक गया तो उसकी परेशानी बढ़ जाएगी। हम उसके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। पापा क्या माता जी के लिए हम अभी प्रार्थना कर सकते हैं? सद्गुरु यीशु उन्हें स्वस्थ अवश्य करेंगे। हाँ माता जी, आपको हमारे सद्गुरु यीशु बहुत प्रेम करते हैं, और हम विनती करते हैं कि आपको बहुत जल्दी तंदुरुस्ती प्रदान करें। हाँ धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करें। सद्गुरु यीशु, हम माता जी के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं कि जो उनके पीठ में दर्द है वह ठीक हो जाए, आप उन्हें स्वास्थ्य प्रदान कीजिए और उनको अपनी शांति दीजिए। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, तथास्तु। वैसे तो कल हमारे यहाँ स्वामी जी के साथ एक सत्संग है, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ मिलने आऊंगा। ठीक है। विजय। अरे माँ क्या हो गया है? मैं अब ठीक महसूस कर रही हूँ। क्या? मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं कैसे बताऊँ, मेरे टांग में मेरे कमर में काफी जो दर्द था बिल्कुल आराम है। उन्होंने जो कल प्रार्थना मेरे लिए की थी मैं उसे बिल्कुल स्वस्थ हूँ। तो अभी हमने गाया कि वो शांति देगा, वो शक्ति देगा, वो भक्ति देगा और वो मुक्ति देगा।
और मुक्ति हमें प्राप्त होती है।